चलेगी। कोरोना काल में फीस बढ़ोतरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी फीसें नहीं चले कि कोई भी निजी स्कूल उस दिन के बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर बगैर जनरल हाउस की इजाज़त के, पेरेंट्स के जनरल हाउस की इजाज़त के बगैर फीस बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि वर्ष 2020 में जब स्कूल नहीं चले, 2021 में भी नहीं चले, 14 से लेकर 50% तक की फीस बढ़ोतरी हुई है। छात्र अभिभावक मंच ने निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना दिया। मंच ने चेताया कि अगर प्रदेश सरकार शीघ्र ही निजी स्कूलों को संचालित करने के लिए कानून और रेगुलेटरी कमीशन का गठन नहीं करेगी तो आंदोलन तेज किया जाएगा। मंच के राज्य संयोजक विजेंद्र मेहरा का कहना है कि प्रदेश सरकार की नाकामी और उसकी निजी स्कूलों से मिलीभगत के कारण निजी स्कूल लगातार मनमानी कर रहे हैं। वर्ष 2019 में 5 दिसंबर को अभिभावकों के आंदोलन के बाद छात्र अभिभावक मंच के बैनर तले जो आंदोलन हुआ उसके फलस्वरूप जो है एक अधिसूचना जारी की गई और जिसमें स्पष्ट कर दिया गया कि कोई भी निजी स्कूल उस दिन के बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर बगैर जनरल हाउस की इजाज़त के, पेरेंट्स के जनरल हाउस की इजाज़त के बगैर फीस बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि वर्ष 2020 में जब स्कूल नहीं चले, 2021 में भी नहीं चले, 14 से लेकर 50% तक की फीस बढ़ोतरी हुई है। सरकार अपने आदेशों को लागू नहीं करवा पा रही है। शिक्षा विभाग जो है अपने ही आदेशों पर मौन है। निजी स्कूल खुली लूट कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, मनमानी फीसें वसूल रहे हैं। और हम लगातार ये भी इस बात को कहते रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो निजी स्कूलों के संचालन के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा आंकड़ा हिमाचल का अब जो निजी स्कूलों के रूप निजी स्कूलों से सीधे रूप में जुड़ चुका है, 3415 निजी स्कूल चल रहे हैं हिमाचल के अंदर। 6.5 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं निजी स्कूलों में, 10 लाख से ज़्यादा उनके अभिभावक हैं, 17 लाख लोगों का ये सीधा सीधा मसला। इसलिए इसको संचालित करने के लिए रेगुलेटरी कमीशन आना चाहिए था, कानून बनना चाहिए था। आप लोग ही रिपोर्ट कर रहे हैं ना जाने पिछले कितने महीनों से कि जो वर्ष 2010 में हायर एजुकेशन में जो रेगुलेटरी कमीशन स्थापित हो गया था उसके कारण कई कुलपति जो उनकी नियुक्तियाँ रद्द हुई, कई जो टीचर्स हैं जो अयोग्य थे उन पर कार्रवाई हुई, निजी जो यूनिवर्सिटियाँ हैं उन पर कार्रवाई हुई, कई यूनिवर्सिटियाँ बंद भी हो गई। तो इस तरह का कानून, इस तरीके का रेगुलेटरी कमीशन प्राइवेट स्कूलों के लिए भी स्थापित होना चाहिए। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।